हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न लाइवली। मैं आरती आज आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ एक बहुत ही हेल्दी, सुपर टेस्टी और सुपर यमी लड्डू की रेसिपी, जिसे आप अपनी वेट लॉस डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। ये आपके हेयर ग्रोथ और स्किन पर एक अच्छा सा ग्लो लाएगा। और जैसा कि मौसम चेंज हो रहा है, ये हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा। साथ ही साथ हमें कई सारे विटामिन एंड न्यूट्रिएंट्स इससे मिल रहे हैं। ये रिच इन प्रोटीन एंड फाइबर है एंड काफ़ी सारे अच्छे अच्छे पोषक तत्व मौजूद हैं। रेसिपी को आइए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई को रख दी है गैस पर, और जो सबसे पहला इंग्रेडिएंट है वो है ये अलसी, जिसे हम इंग्लिश में फ्लैक्स सीड्स बोलते हैं। तो अलसी एक प्रकार का बीज है जिसे सभी उम्र के लोग खा सकते हैं। इसमें ओमेगा 3 और फैटी एसिड्स पाए जाते हैं। ये रिच इन प्रोटीन एंड फाइबर होता है और इसमें कई सारे पोषक तत्व मौजूद होते हैं। तो ये जो लड्डू की रेसिपी मैं शेयर कर रही हूँ, इसमें आपको कई प्रकार के विटामिन्स मिल रहे हैं। इसमें मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, और साथ ही साथ प्रोटीन, एंटीऑक्सीडेंट, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम आदि मौजूद हैं। ये रेसिपी आप ज़रूर से ट्राई करें। और जैसा कि मौसम बदल रहा है, ये आपके बालों के लिए, अगर आपको सर्दी जुकाम है, आपके जोड़ों में दर्द है, तो आप इसे अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। इसमें जिंक एंड कैल्शियम भी अच्छी मात्रा में है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, काफ़ी अच्छी और इजी टू प्रिपेयर रेसिपी है। तो फ्लैक्स सीड को हमें तब तक भूनना है जब तक कि इससे थोड़ी चिटकने की आवाज़ ना आने लगे। अच्छे से लगातार चलाते हुए लो टू मीडियम हीट पर आप इसको भूनिएगा। ध्यान रखें, अलसी को भूजते वक्त आप थोड़ा सा दूर रहें। अगर ये चिटकती है तो बहुत तेज़ी से आपके ऊपर अगर आ जाती तो आप जल सकते हैं। और इसको आपको लगातार इस तरीके से चलाते रहना है। लगातार चलाने से क्या होगा कि ये एक समान अच्छे से भुन जाएगा और एकदम से जलेगा नहीं। तो अभी आप देख सकते हैं इसे बहुत ही अच्छी चिटकने की आवाज़ आने लगी है। अब मैं इसको अलग कर लूँगी। अब हमें लेना है यहाँ पे मूंगफली। मैंने 1/4 कप मूंगफली ली है। ये रिच इन प्रोटीन होती है, इसमें हेल्दी फैट्स होते हैं। अगर आपको पीनट से एलर्जी है तो आप ये स्किप कर सकते हैं। और आपको मैं एक बात और बताना चाहूँगी, मैंने यहाँ पे जो भी इंग्रेडिएंट यूज़ किए हैं, इसमें से अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। जो भी चीज़ें आपके पास अवेलेबल हों, आप उसके थ्रू ये रेसिपी बना सकते हैं। तो इस लड्डू में जो मेन सामग्री है वो है अलसी, यानी कि फ्लैक्स सीड्स। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने मूंगफली को भूना है, करीब 1-2 मिनट तक लो फ्लेम पर। अब मैं इसमें ऐड कर दे रही हूँ 1 कप ये मखाना, जिसे हम लोटस सीड्स भी बोलते हैं। तो अब हम इसके साथ अच्छे से इसको लो फ्लेम पर भूनेंगे। दोनों को ही अच्छे से भून लेने से क्या होगा कि लड्डू जो है ना, आप उसे काफ़ी दिनों तक स्टोर करके एक एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं, और लड्डू भी हमारे काफ़ी टेस्टी लगते हैं खाने में, अगर हमने उसको अच्छे से भून कर बनाया हो। तो मैं लो फ्लेम पर ही दोनों को अच्छे से भूनूंगी। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि मखाना रिच इन कैल्शियम होता है। ये हड्डियों के लिए, जिनको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है उनके लिए काफ़ी अच्छा है। और ये लड्डू, अगर आपको बालों की कोई प्रॉब्लम है, स्किन की कोई प्रॉब्लम है, उनमें काफ़ी ज़्यादा अफेक्टिव है। वेट लॉस में भी अफेक्टिव है, और अगर आप वेट गेन करना चाहते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ये बच्चों को भी दे सकते हैं और ख़ुद भी डेली 1 से 2 लड्डू आप खा सकते हैं। तो यहाँ पे अच्छे से मूंगफली और मखाने को मैंने भून लिया है। अब इसको भी हम उसी प्लेट में ट्रांसफ़र कर देंगे जिसमें हमने फ्लैक्स सीड को ट्रांसफ़र किया है। और अब सेम कढ़ाई में मैं ऐड कर रही हूँ 1/4 कप ये है बादाम। इसको हम हल्का सा 1-2 मिनट तक रोस्ट करेंगे। तो ये लड्डू हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को भी बूस्ट करता है। जैसे कि बरसात का मौसम है, फिर ठंडियाँ स्टार्ट हो जाएंगी, तो ये लड्डू काफ़ी हेल्दी है। अगर आपको सर्दी जुकाम है तो उससे भी ये आपको राहत पहुँचाएगा। अगर आप ये खाते हैं तो ये आपको कई सारी बीमारियों से दूर रखेगा। और साथ ही साथ ये हमारे स्किन के लिए, हेयर के लिए, और किसी को अगर हड्डियों में दर्द है या आपकी हड्डियाँ कमज़ोर है, उसमें भी आपका ख्याल रखेगा। और ये हमारा डाइजेशन सही रखेगा, हमारे हार्ट को हेल्दी रखेगा। तो यहाँ पे बादाम को मैंने 2 मिनट तक रोस्ट कर लिया है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 बड़े चम्मच ये है अखरोट। साथ में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 बड़े चम्मच पम्पकिन सीड्स, कद्दू के बीजे। साथ में मैं ऐड कर रही हूँ इसमें 2 बड़े चम्मच ये सनफ्लावर सीड्स, सूरजमुखी के बीजे। और मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ मेलन सीड्स, जो तरबूजे का बीजा होता है वो, ये भी मैंने 2 बड़े चम्मच लिया है। अब हम इनको थोड़ा सा पहले रोस्ट कर लेंगे हल्का सा। साथ में मैं इसमें ऐड कर देती हूँ ये सफ़ेद तिल, जो कि मैंने 1/4 कप ली है। इन सबको हम अच्छे से लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए भूनेंगे।
अगर आपके पास इनमें से कोई बीज अवेलेबल नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। और इनमें जो भी बीजें मैंने यूज़ किए हैं वो सभी ईजिली अवेलेबल हैं और कोई हाई कॉस्ट में नहीं होते हैं। और सबसे ज़्यादा प्रोटीन जो है पम्पकिन सीड्स में पाया जाता है, तो आप पम्पकिन सीड्स ज़रूर से ऐड करें अगर आपको मिल जाता है तो। और इन सभी प्रोडक्ट्स के लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। एक चीज़ मेरे को पूछना था, जब मैं कप्स में आपको बताती हूँ वज़न करके, मतलब कप में माप कर बताती हूँ, तो आप लोग कमेंट्स करते हैं कि ग्राम में बताइए। जब ग्राम में बताती हूँ तो आप लोग कहते हैं कि कप में बताइए, तो कमेंट में बताइएगा कि कप में आपको समझ में आता है ईजिली, या फिर मैं वज़न करके आपको ग्राम में बताऊँ तो उस तरीके से आपके लिए सही रहेगा। कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। और अगर आपकी कोई और भी क्वेरीज़ हों या आप कैसी रेसिपीज चाहते हैं वो भी आप कॉमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपने मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ फॉलो कर सकते हैं। मेरी आईडी जो है वो है लर्न लाइवली, वहाँ पे मैं डेली शॉर्ट रेसिपी शेयर करती रहती हूँ, तो आप वहाँ भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो वन मोर टिप, अगर आप अच्छे से इनको रोस्ट करते हैं तो आप इनको ज़्यादा दिनों तक स्टोर करके रख सकते हैं। वैसे आप इतनी क्वांटिटी में बनाइए कि आप 15 से 20 दिन के अंदर ख़त्म कर लें। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, ये एक बड़ा चम्मच है पॉपी सीड्स खसखस, और एक बड़ा चम्मच है ये चिया सीड्स। इसको भी हम हल्का सा रोस्ट कर लेंगे करीब 2 मिनट तक लो फ्लेम पर। तो इससे भी चटकने की आवाज़ आने लगी है, आपको सुनाई दे रहा होगा। गैस की फ्लेम को मैं बंद करूँगी, और जितनी भी चीज़ें हमने अभी तक भूनी हैं इन सबको हमें अच्छे से ठंडा कर लेना है, एकदम रूम टेम्परेचर पर लाना है। और बेस्ट बात ये है इस लड्डू की कि ये ग्लूटेन फ्री है, इसमें मैंने कोई भी शुगर का यूज़ नहीं किया है, ना ही मिल्क का, और ना ही हम इसमें कोई ऑयल या घी का यूज़ करेंगे। काफ़ी हेल्दी ये लड्डू है, रेसिपी को एंड तक देखिएगा। तो यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने एक बड़ी थाली में ट्रांसफ़र किया है, इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए, और इसको आप पंखे के नीचे रख के या फिर ऐसे ही छोड़ दीजिए एकदम से ठंडा होने के लिए। यहाँ पे मैंने कुछ मसाले लिए हैं जिनका कब यूज़ करना है मैं आपको बताऊँगी। तो जैसे कि अभी ये बहुत ही ज़्यादा गर्म है तो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे हल्दी। हल्दी मैं ऐड करूँ आधा छोटा चम्मच, ताकि ये जो गर्मपन है ना उससे हल्दी का जो कच्चापन है वो निकल जाएगा। अच्छे से आप इसमें इसको मिक्स कर दीजिए, और हल्दी भी हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती है, हमारे ब्लड को साफ करती है, और इसके बहुत सारे अनगिनत बेनिफिट्स हैं। एंटीबायोटिक होती है ये, एंटीसेप्टिक, तो आप हल्दी को भी इसमें ज़रूर से ऐड कीजिएगा। साथ में जो चीज़ें मैंने ली हैं वो कब ऐड करना है मैं आपको बताऊँगी। तो अभी सब कुछ अच्छे से ठंडा हो चुका है, मैं इसको छू सकती हूँ, बिल्कुल भी गर्म नहीं है। अब हमें क्या करना है, एक ग्राइंडर लेना है और उसके अंदर हमें इसको डालकर अच्छे से पीस लेना है, एकदम फाइन। बहुत अगर थोड़ा सा दरबरा भी रहता है तो चलेगा, क्योंकि हमें इन सबको अच्छे से भूना है। तो मैं एक बार में सारा नहीं आधा कर रही हूँ, आधा फिर मैं एक बार ग्राइंड करूँगी। तो यहाँ पे मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है, मैं आपको दिखा देती हूँ इसकी जो कंसिस्टेंसी है, ये देखिए बहुत ही अच्छे से ग्राइंड हो गया है। और फ्लैक्स सीड्स, ये पीनट्स, ये जितने भी सीड्स एंड नट्स हैं ना, ये सब कुछ ऑयल रिलीज़ करते हैं, जिसकी वजह से हमें घी अलग से ऐड करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो ये जो मिक्सचर मैंने ग्राइंड किया है इसको मैं प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। और जो बाकी का है उसको मैं अच्छे से फिर से ग्राइंड कर लेती हूँ। तो ये मैंने अच्छे से इसको भी ग्राइंड कर लिया है, ये देखिए। एक बार हम इसको स्पून से अच्छे से मिक्स करेंगे, और अब हमें इसमें ऐड करना है इसको मीठा बनाने के लिए। यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ डेट्स, तो ये आप एक कप बिना बीजे वाला डेट्स ले सकते हैं, करीब 8 से 10 डेट्स आपको लेने हैं सीडलेस। अब हम इसको अच्छे से एक बार फिर से ग्राइंड करेंगे। तो यहाँ पे डेट्स के साथ भी मैंने इसको अच्छे से ग्राइंड कर लिया है, ये देखिए। अभी आप इसका मिक्सचर देख सकते हैं अपने आप, ये थोड़ा सा चिपचिपा हो चुका है। अब हम लेंगे एक बड़ी थाली या आप एक बड़ा कटोरा ले लीजिए, मैं ये ले रही हूँ, और इसके अंदर इसको ट्रांसफ़र करूँगी। तो ये देखिए मैंने अच्छे से पूरा खाली कर लिया है। अब ये जो मिक्सचर था इसको हम इसमें ऐड करेंगे, और साथ में हमने जो थोड़े मसाले लिए थे उनको मैं ऐड करूँगी।
यहाँ पे मैं ले रही हूँ ये दालचीनी पाउडर, करीब आप 1 छोटा चम्मच से आधा छोटा चम्मच ऐड कर सकते हैं, ये वेट लॉस में इफ़ेक्टिव है। साथ में मैं ऐड करूँ यहाँ पे 1 छोटा चम्मच सोंठ का पाउडर, जो कि सर्दियों में और बरसात के मौसम में काफ़ी हेल्दी है, सर्दी जुकाम में काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। और मैं ऐड करूँ ये पिंक सॉल्ट, जो कि सेंधा नमक हम बोलते हैं हिंदी में, ये आप करीब 2-3 चुटकी ले सकते हैं, मैंने यहाँ पे 1/4 टीस्पून लिया है। अब इन सबको हम अच्छे से हाथों से मिक्स करेंगे, सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। तो अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है, मैं थोड़ा सा टेस्ट करके देखती हूँ कि इसमें मीठापन बराबर है कि नहीं। एकदम परफेक्ट मीठा है, अगर आपको थोड़ा सा मीठा और चाहिए तो आप इसमें हनी ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ मीठे की ज़रूरत नहीं है। जितना मैंने डेट्स बताया आपको उतना ऐड करते हो तो ये परफेक्ट मीठा हो जाएगा और काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लग रहा है खाने में। तो एक बार मैं और अच्छे से मिक्स कर देती हूँ और अब हम इसके लड्डू बनाएंगे। बहुत ही ज़्यादा बड़े आपको लड्डू नहीं बनाने हैं, जैसे बाज़ार में बेसन या मोतीचूर के लड्डू मिलते हैं ना, उतने बड़े आप बना सकते हैं। तो आपको हाथों में लेना है इस तरीके से और उसको कस के इस तरीके से बाइंड करना है, ऐसे अपने आप बहुत ही ईजिली लड्डू बन जाएगा। आप चाहें तो दोनों हाथों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अच्छा शेप देने के लिए। तो ये देखिए एक बढ़िया लड्डू बनकर तैयार है। तो इसी साइज़ के मैं सारे लड्डुओं को बना लेती हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने सारे लड्डुओं को बना लिया है, मैं गार्निश कर रही हूँ इसके ऊपर, थोड़ा सा पिस्ता रख रही हूँ मैं थोड़ा प्रेजेंटेबल बनाने के लिए। और इसमें टोटल 25 से 26 लड्डू मैंने बनाए हैं, जो कि मीडियम साइज़ के हैं। पर लड्डू में आपको 3 ग्राम के आसपास प्रोटीन मिल रहा है और जो कैलोरीज हैं वो आपको इसमें 90 to 95 मिल रही हैं। आप प्लीज़ एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लीजिएगा, मैंने जितनी भी सामग्री यूज़ करी है उसमें कितनी कैलोरीज हैं सब मैं वहाँ पर लिख दूँगी। तो आई रियली होप आपको वीडियो पसंद होगा, थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ऐसी हेल्दी रेसिपीज़ के लिए। मैं आपको जल्द मिलती हूँ एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन ईट हैप्पी एंड स्टे हैप्पी। बाय बाय, टेक केयर।